भारत की बात करें तो लगातार क्राइम से जुड़े हुए मामले हम आप तक पहुंचाते हैं और आए दिन कोई ना कोई इस तरह का मामला जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल। इसी तरह का एक और मामला जो है पंजाब के अंबाला इलाके से सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ज्वेलर शॉप की बात करें, एक ज्वेलर के मालिक ने जो उसी के शॉप के अंदर एक लड़की काम कर रही थी उसके साथ जो है दुष्कर्म किया है। ये पूरा वाकया जो है दीप ज्वेलर्स बताए जा रहे हैं अंबाला के, जहां पर उसी की दुकान के अंदर काम करने वाली एक महिला की बात करें तो उसके साथ रेप का वाकया हुआ है और बताया जा रहा है कि वो दुकानदार जो ज्वेलर है वो उसे जो है अश्लील फोटो के जरिए जो है ब्लैकमेल करने की लगातार कोशिश जो है वो कर रहा था। और जिसके बाद महिला की बात करें तो उसने जो है पुलिस के पास जाकर पूरे वाकया बताया और जिसके बाद FIR जो है वो दर्ज की गई और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है, पर बताया जा रहा है कि अभी तक उसे गिरफ्तार जो है नहीं किया गया है। दीप ज्वेलर्स की बात करें तो बताया जा रहा है ये महिला 3 साल से जो है वहीं पर काम कर रही थी और दुकान के मालिक ने जो है बताया जा रहा है कि कुछ नशीला पदार्थ जो है उसके ड्रिंक में मिलाया और जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी अश्लील फोटोज जो है वो खींची और उसके बाद जो है उन फोटोज के जरिए से लगातार ब्लैकमेल करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। फिलहाल ये वाकया बताया जा रहा है कि 12 मई का है और उसके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी और 25 मई को अगर बात करें तो पीड़िता ने जो है अपनी जाति प्रमाण पत्र पुलिस को सौंपे हैं और इसके बाद पुलिस ने मालिक के खिलाफ जो है SC ST Act के धारा को भी जो है जोड़ लिया गया है। पर अभी तक इस पूरे मामले में बात करें तो महिला ने यह बताया कि पुलिस को बताया कि दुकान मालिक ने जो है उसे कोई नशीली चीज जो है मिलाकर रेप किया है और इसके बाद जो है उसकी कुछ न्यू तस्वीरें जो है वो खींची गई है और पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि दुकान मालिक इन्हीं न्यू तस्वीरों से लगातार उसे जो है ब्लैकमेल जो है करता था। और फिलहाल पूजा चावला की बात करें तो उन्होंने बताया कि पीड़िता के जो कि ASP हैं उन्होंने बताया कि उनके ज्वेलर्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर दिया गया है और पीड़िता ने 25 मई को जो है अपना जाति प्रमाण पत्र जो है उन्हें सौंपा था और इसके आधार पर ही जो है SC ST Act की धारा भी जो है उसके साथ जोड़ दी गई और फिलहाल मामले की जाँच जो है वो की जा रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जो है वो फिलहाल यहाँ पर किए जा रहे हैं और जितने भी तथ्य हैं उसके आधार पर जो है कार्रवाई जो है आगे की जाएगी। पर बड़ा ही शर्मनाक वाक्य है कि वो महिला जिस दुकान पर जिस ज्वेलर शॉप पर लगातार पिछले 3 सालों से काम कर रही थी और वो वहीं पर ट्रेनी थी और उसी दुकानदार के मालिक की बात करें दीप ज्वेलर्स बताए जा रहे हैं कि उसने उस महिला के साथ जो है दुष्कर्म किया और जिसके बाद लगातार उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी जो है वो कर रहा था। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहें चिकन स्टंट।